कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। हां तो गाइस ये देखो, इस वाले सीक्रेट ट्रिक का यूज करके मैंने सामने वाले बंदे को वन टैप दे दिया एंड वो मेरे को नोटिस भी नहीं कर पाया। एंड गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट एरा मैप के कुछ ऐसे सीक्रेट और हिडन प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करने के बाद आपका दिल बोलेगा और साथ ही आप लोगों के द्वारा लिखे गए मजेदार कमेंट्स का आंसर तो मैं करूंगा ही। बट हां, बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। ओके तो नंबर वन पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का ग्रैब लैब्स वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को 3 ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा। बट हां, जैसा कि आपको पता है कि ग्रैब लैब्स वाले प्लेस में आप लोग काफी ऊंचा जंप कर पाते हो, तो आप लोगों को इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपके फ्रेंड की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को इधर लेफ्ट साइड आ जाना है। और हां, इस सेकंड वाले सीढ़ी के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से पहला ग्लोबल को लगा देना है ना। पहले ग्लोबल को थोड़ा सही तरीके से लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरा एंड फिर उसके ऊपर तीसरे ग्लोबल को लगा देना है। और गाइस जब आप लोग तीनों ग्लोबल को सही तरीके से लगा दोगे तो यहाँ आप लोग को बहुत ही अच्छा कवर भी मिल जाएगा एंड आप लोग को जॉयस्टिक का सही से यूज करना है वरना आप लोग नीचे गिर जाओगे एंड इसके ऊपर जंप करने के बाद आप लोग इस ब्लू वाले प्लेनेट पे आ जाओगे। और देखो इस वाले प्लेनेट पे आप लोग को बहुत ही कम बंदे नोटिस भी कर पाएंगे एंड सामने वाले बंदे को एक को हेडशॉट देके मैंने डाउन कर दिया। ऊपर से एक बंदा नीचे गिरा एंड मैं उसको मारता हूं, वो ग्लोबल लगा लेता है और ऊपर से उतरते टाइम मैंने उसको काफी ज्यादा डैमेज दिया था तो वो ग्लोबल से कवर ही नहीं छोड़ रहा था एंड मैं उसको मारने का फुल ट्राई भी करता हूं बट उसको गोलियां नहीं लग रही थी एंड राइट साइड में एक बंदे को मैं काफी डैमेज देता हूं। बट पीछे देखने के बाद सामने वाला बंदा ग्लोबल छोड़ के निकलता है एंड मैं उसको इजीली डाउन कर देता हूं। और बस थोड़ा सा होल्ड करने के बाद पीछे वाले बंदे जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था वो भी निकलता है एंड मैं उसको मारने का फुल ट्राई करता हूं एंड वो इजीली डाउन नहीं होता है। हां बट उसने मेरे टीममेट्स को डाउन कर दिया था एंड अब मैं सिर्फ अकेला बचा हुआ एंड इधर जोन आ जाता है तो मेरे को नीचे जंप करना पड़ता है। अब यहां पर 1v3 की फाइट हो चुकी है। और देखो इस वाले प्लेस से जंप करके मैं इन दोनों बंदे को हेडशॉट देकर इजीली डाउन कर देता हूं एंड ग्रेनेड फेंककर इन दोनों को फिनिश करने के लिए मैं फेंक देता हूं नेड एंड फेंकने के बाद वो दोनों फिनिश हो जाते हैं। और मेरा एचपी थोड़ा सा कम था तो मैं यहाँ पर सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ जल्दीबाजी में। जोन आता है तो मेरे को जंप करना पड़ता है बट नीचे बंदा मेरा सोनिया ऑन कर देता है और यहाँ पर साथ मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है एंड मैं इसको रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग बहुत इजीली इस वाले मैच को विक्ट्री कर लेते हैं। हाँ तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का फार्म टोपिया वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में ट्रिक को करने के लिए आप लोग को इस वाले प्लेस में आके कुछ इस तरह से ग्लोबॉल लगा देना है, अपने फ्रेंड को नीचे बैठने को बोलना, उसके ऊपर चढ़ के आप लोग ऊपर ग्लोबॉल पे आ जाओगे और इस ग्लोबॉल पे जंप करने के बाद आप लोग इसके ऊपर आ जाओगे एंड ग्लोबॉल को आप लोग बिल्कुल मेरी तरह से लगा लेना जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ एंड ग्लोबल को यहाँ लगाने के बाद दूसरा ग्लोबल उसके पीछे लगा दो और दोनों ग्लोबल को सही तरीके से लगा लेने के बाद आप लोग को दौड़ के इस ग्लोबल के ऊपर जंप कर जाना है एंड इसके ऊपर जंप करके आप लोग इसके ऊपर आ जाओगे एंड इधर से आप लोग को आगे के साइड जाना है एंड अगर सामने बंदे दिखाई दे तो आप लोग इजिली मार पाओगे। और मैं काफी आगे के साइड आ जाता हूँ बट मेरे को कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता एंड इधर से जोन भी आ रहा था, मेरे को तो मरना नहीं था, मैं पीछे के साइड आ जाता हूँ एंड पीछे आ जाने के बाद मैं इसके नीचे जंप कर जाता हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पर ओरियन का कैरेक्टर स्किल यूज कर रहा था तो मैं नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ओरियन बन के नीचे के साइड जंप कर जाता हूँ तो मेरे को एक भी डैमेज नहीं पड़ता है। और अचानक से मेरे सामने एनिमी आ जाता है, उसका गन फायर हो रहा था बट रिकॉइल कर रहा था, मैं उसको हेडशॉट मार के बहुत इजीली यहाँ पर बोया कर लेता हूँ। ओके गाइस तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का इंटेलेक्ट सेंटर वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आपको सिर्फ आपके फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड ग्लोबल का यूज आप लोग ऊपर आने के बाद कवर लेने के लिए कर सकते हो। इधर मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग इस वाले घर के अंदर आ जाना एंड अपने एक फ्रेंड को बुला कर आना एंड सीढ़ी से ऊपर आ जाने के बाद आप लोग अपने फ्रेंड को इस वाले प्लेस पे बैठने के लिए बोल देना और आपके फ्रेंड के बैठने के बाद आप लोग इसके ऊपर जूम करके चढ़ जाना एंड फ्रेंड के ऊपर जंप करके आप लोग इसके घर के टॉप पे आ जाओगे एंड इस वाले प्लेस से आप लोग को काफी बढ़िया कवर भी मिलता है एंड सामने वाला बंदा आपको नोटिस भी नहीं कर पाएगा और आप मारने के लिए बंदे को बहुत ही बड़ा एरिया भी कवर कर लेते हो। और सामने वाले बंदे ने हमारे एक टीममेट को मार के फिनिश भी कर दिया था। यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद सामने वाला बंदा निकलता है, मैं उसको हेडशॉट देकर इजीली डाउन कर देता हूँ और इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं काफी देर तक वेट करता हूँ बट सामने से तो कोई भी बंदा नहीं आता लेकिन पीछे से जोन आ जाता है तो मेरे को लेफ्ट साइड जंप करना पड़ता है एंड इधर जंप करने पे आप लोग को काफी ज्यादा सेफ्टी मिलेगा और एनिमीज को मेरे टीममेट मार देते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग का यहाँ पर विक्ट्री हो जाता है। ओके गाइस तो फोर्थ नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का म्यूजियम वाला प्लेस एंड इस वाले सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आप लोग को ना ही ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा एंड हाँ ना ही आपकी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। बस आप लोगों का मैच स्टार्ट होता ही आप लोगों को मैच के इस लेफ्ट साइड आ जाना है एंड थोड़ा देख के आना, काफी सारे बंदे भी इधर रश कर देते हैं। इस वाले प्लेस के ऊपर आ जाने के बाद आप लोग को जॉयस्टिक का सही तरीके से यूज करना है ना, फायर बटन को क्लिक करते हुए आप लोग को ऊपर की तरफ जंप करते जाना है। और मैं तो अभी इधर आधा ही चला था बट पता नहीं किसी बंदे ने पीछे से हेडशॉट मार के मेरा सोनिया जलाया, मैंने उसको इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर दिया एंड मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। और पता नहीं क्यों क्यों कभी कभी गेम में मेरे प्लेयर्स इतना अच्छा खेलने लगते हैं कि सामने वाले सिर्फ एक ही बंदे बचे हैं। और फिर क्या, मैं यहाँ पर मेडिकेट मार ही रहा होता हूँ, यहाँ पर जादू होता है एंड हम लोग का बहुत इजीली बोया भी हो जाता है। ओके गाइस तो फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का डेका स्क्वायर वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा एंड आपको अपने फ्रेंड की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ तो फिर क्या, मैच को स्टार्ट होता ही आप लोग को इस वाले घर के ऊपर आ जाना है ना, सीढ़ियों से अच्छी तरीके से आना है ना, ग्लोबल लेकर आना जिस तरह से मैंने ग्लोबल लगाया है आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्लोबल को लगाना है। इस वाले वॉल के ऊपर चढ़ने के बाद आप लोग ग्लोबल का यूज करके इसके टॉप पे आ जाओगे एंड हाँ इसके टॉप पे आ जाने के बाद आप लोग काफी बड़ा
बड़ा एरिया कवर कर लेते हो और अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग रेंज की गन लेके आते हो तो और भी बड़ा आप लोग को एडवांटेज मिलता है। और देखो सामने के साइड वाले एनिमीज उस कंटेनर के ऊपर आके बैठ गए, मेरे को लगा वो लोग मेरे को मार देंगे तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। उन लोग को मारने का काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ बट डैमेज नहीं लगता है। राइट साइड से मेरे को एक एनिमी डैमेज दे रहा होता है, मैं उसको काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और बस थोड़ी देर में कंटेनर के पास वाला बंदा निकलता है, मैं उसको इजीली बॉडी बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। और गाइस ये देखो अब तो सामने वाले एनिमीज का सिर्फ एक ही बंदा बचा है एंड एक डाउन है जिसको मैंने अभी अभी डाउन किया है। और गाइस मुझे नहीं पता था कि वो लास्ट वाला जो बंदा है वो मेरे झोपड़ी के नीचे है एंड मेरे को इतना पता नहीं था। मैं नीचे आकर देखता हूँ वो बंदा नीचे ही होता है, मारने का ट्राई करता हूँ बट मेरे फ्रेंड स्किल चोरी कर लेते हैं। तो गाइस 6 नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का मर्ड साइट वाला प्लेस और इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आपको आपके फ्रेंड की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी लेकिन 2 से 3 ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा। तो मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को इधर राइट साइड सीढ़ी के ऊपर आ जाना है, इधर से अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो आप लोग नीचे से भी आ सकते हैं, आना तो नीचे ही है। हाँ तो गाइस ये देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पहले ग्लोबल को लगाया आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। पहला ग्लोबल गलत लग गया तो आप लोग को बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है, तो देखो मैं कितनी अच्छी तरीके से पहला ग्लोबल लगा रहा हूँ। अब देखो पहले ग्लोबल को सही तरीके से लगा लेने के बाद जब मैं दूसरा ग्लोबल को लगाने का ट्राई ही कर रहा होता हूँ दूसरा ग्लोबल को लगते ही पीछे से एक बंदा मेरे को मारने लगता है और वो MP40 लेकर मेरे ऊपर रश कर देता है। तो मैं यहाँ पर ओरियन बनके उसका HP खींचने लगता हूँ एंड वो ग्लोबल लगा के साथ मेडकिट मारता है, मेरा प्लेयर उसके ऊपर रश करता है, मैं ट्रिको करने के लिए ऊपर आ जाता हूँ। और देखो अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही ग्लोबल का यूज किया है तो इस वाले पहले ग्लोबल के ऊपर जंप करके आप लोग दूसरे ग्लोबल के ऊपर आ जाना है एंड फिर तीसरे ग्लोबल को आप लोगों को कुछ इस तरीके से लगा लेना है और फिर तीसरे ग्लोबल को सही तरीके से लगा लेने के बाद आप लोग को उसके ऊपर जंप करना है एंड जंप करने के बाद आप लोग इसके टॉप पे आ जाओगे। और उस MP40 वाले बंदे से फाइट करते टाइम मेरा HP काफी थोड़ा सा कम हो गया था तो मैं मेडकिट लगा रहा था एंड फिर वहाँ सामने देखता हूँ कि फाइट हो रहा है। अब देखो इस वाली ट्रिक का यूज करके मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ एंड सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि अंदर के साइड चला गया था। मैं वेट करता हूँ कि वो बाहर आएगा एंड वो बाहर आता है, मेरा पहला एमओ मिस हो जाता है बट दूसरा एमओ मैं उसके हेडशॉट मार देता हूँ एंड दूसरा बंदा कवर लेकर खड़े हो जाता है एंड वो मेरे को नोटिस ही नहीं कर पा रहा था, मैं भी उसको इजीली 2 बॉडी मार के जीत जाता हूँ। तो गाइस अब आता है इस वीडियो का सबसे मजेदार वाला पार्ट क्योंकि मैं आप लोगों के द्वारा लिखे गए मजेदार कमेंट्स का आंसर करने वाला हूँ। ये देखो इधर मानसा दुबे भाई ने क्या कमेंट किया है, जब तक रहेगा समोसे में आलू मैनर भाई रहेंगे चालू। और ये देखो नीचे क्या लिखा है, लव यू 10,000 मैनर भाई, अरे यार लव यू 20,000 ब्रो। और ये देखो अथर्व भाई ने क्या कमेंट किया है, और भैया मेरा नाम अथर्व है, प्लीज आप सबको गलत बताते हो, अरे ब्रो अभी समझे। अब ये देखो फेल्ड ईड्स भाई ने क्या कमेंट किया है, जब तक सूरज चांद रहेगा मैनर भाई का नाम रहेगा, अरे लव यू ब्रो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और ये देखो सुपर वाइटी गेमिंग ने कितना ज्यादा कमेंट किया, मतलब यार इतने सारे दिल। और गाइस ये देखो बिना नाम के बंदे ने कितना ज्यादा दिल दिया यार, मतलब मैं भी उसको दिल दे रहा हूँ। हाँ तो गाइस नेक्स्ट कमेंट मैं उसका पिक करूंगा जो कि मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि इस बिना नाम के बंदे ने ज्यादा दिल दिया या फिर ये सुपर गेमिंग वाइटी ने। उसके बाद ये देखो राम गेमर ने क्या कमेंट किया है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मैनर भाई के चड्डी में 10 मिलियन से भी ज्यादा छेद। हाँ ये कर लो पहले। अरे यार यहाँ पर मैनर भाई की जगह मैनर भाई के हेटर्स लिखने थे। अभी ये देखो गॉड वार्डन भाई ने क्या कमेंट किया है, भाई योर वॉइस इज सो क्यूट एंड ब्रो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फर्स्ट Q&A। वार्डन ब्रो आप लोगों को फर्स्ट Q&A 30K पर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछोगे आप लोग मैं सभी का आंसर दूंगा। बट पहले यार आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो तभी तो 30K होंगे। और यहाँ देखो अनिल भाई ने क्या कमेंट किया है, लव फ्रॉम गुजरात लव यू टू ब्रो। और इधर देखो एन भाई ने भी कमेंट किया है, लव फ्रॉम हरियाणा लव यू टू ब्रो। और देखो योगेश भाई ने कमेंट किया है, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली मैनर भाई, अरे लव यू टू ब्रो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस ये देखो जिसान अली ने क्या कमेंट किया है, काफी मस्त वीडियो है भाई, आपको दिल से सपोर्ट ब्रो, अरे थैंक यू ब्रो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी लव यू टू। इसके लिए इतना ही, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है एंड जिन भाई लोगों का मैंने कमेंट पिक नहीं कर पाया डोंट वरी यार अगले वीडियो में कर लूंगा। एंड गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला सीक्रेट ट्रिक की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो यार अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करो और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो मतलब मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो क्या कर रहे हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। हां तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैंने आप लोगों को टोटल 6 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, जल्दी जाकर उसको ट्राई करो। हां तो मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक